हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम वसीम खान नर्सरी पर हैं, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के साथ ओल्ड ककरोला रोड नजफगढ़ न्यू दिल्ली में है। और मैं इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी, लिंक वगैरह। तो देखिए आज हम यहाँ पर कुछ फ्रूट प्लांट्स देखते हैं, जो कि अगर आप पॉट में फ्रूट प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट टाइम है इस समय, फरवरी के मंथ में या बारिश का टाइम, दो ही सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आप आम लगाने के इच्छुक हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम यही बेस्ट मैं मानती हूँ, क्योंकि इस समय आम में बोर आ रही होती है, तो आपको भी पता होता है कि आम की वैरायटी जो है कौन सी लेनी चाहिए। वरना जनरली क्या होता है, कई बार हम पौधा ले आते हैं उसमें दो दो साल तक फ्रूटिंग नहीं होती है, बट अगर आप चेक करके ले कि उसमें जिस तरीके से फ्लावरिंग्स स्टार्ट हो गई हों, और ग्राफ्टिंग एरिया को थोड़ा सा चेक करके आप लें। और देखिए आपको यहाँ पर जो है, आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर पॉट्स भी मिल जाएंगे, जो सारे सिरेमिक के पॉट तो हैं ही, ये फाइबर के पॉट्स भी हैं, स्टैंड भी हैं, और इस तरीके से आप जो भी यहाँ पर आपको फर्टिलाइज़र और ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। साथ में आप यहाँ पर पेरेनियल प्लांट और सीजनल प्लांट भी ले सकते हैं, बट मोस्टली मैं आपको यहाँ पर आज थोड़े से फ्रूट प्लांट्स दिखा रही हूँ कि कौन कौन से फ्रूट प्लांट्स हैं यहाँ पर। ये देखिए चाइनीज़ ऑरेंज की वेराइटी है, जो आपको 100 रुपीज़ की मिलेगी, और बहुत अच्छा सा देखिए इसमें फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो रही है, और ये ईटेबल होता है, ऐसा नहीं है कि इसको आप खा नहीं सकते, इसके जैम जेली वगैरह बनाए जाते हैं। और ये आपको देखिए विद इसमें इस समय काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है, तो प्लांट्स आप लगाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि फ्रूटिंग नहीं हो रही। जनरली कई बार हम इस तरीके से प्लांट्स ले जाते हैं जिनमें फ्रूटिंग नहीं हो रही होती है, फिर बाद में पता भी नहीं चलता है, तो ये एक आपको एक सिक्योरिटी सी रहती है कि हाँ इस प्लांट में। और देखिए छोटे छोटे से काफ़ी सारे ऑरेंज भी इसमें बन रहे हैं, तो ये आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा। ये देखिए कागजी नींबू की वैरायटी है, और काफ़ी अच्छे बड़े जो पॉली बैग में लगा हुआ है, और लेमन इसमें स्टार्ट हो गए हैं, तो इस तरीके से आपको एक पहचान भी हो जाएगी कि हाँ इसमें हो रहा है, ताकि मेरे यहाँ भी लगा, और काफ़ी अच्छे ये फ्रूटिंग करता है। ये कागजी जो वैरायटी है काफ़ी अच्छा जो फ्रूट्स में माना जाता है, और ये देखिए रेट वाइज भी काफ़ी सही है, और ये देखिए काफ़ी इसमें फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावरिंग भी हो रही है। ये देखिए अमरूद का पेड़ है, जो आप गमले में लगा सकते हैं, और बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाता है। देखिए इसमें बर्ड्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, यानी कि आप इसे ले जाकर लगाएंगे तो आपके यहाँ स्टार्ट हो जाती है। जनरली जब भी मैं टेरेस पर, काफ़ी सारे मैंने ग्रो किए हुए हैं, तो मैं हमेशा यही एक अभी भी बोल रही हूँ कि आप थोड़ा चेक करके लें कि इस तरीके से बर्ड्स बननी स्टार्ट हो गई हों, और ये रेट वाइज भी काफ़ी सही है, 70 रुपीज़ का आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये। देखिए मौसमी आप लगा सकते हैं, और काफ़ी अच्छे बड़े पॉली बैग में लगा हुआ है, और ये भी आपको जो है 200 का मिलेगा। देखिए इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, और ये जो है एयर लेयरिंग से तैयार जो प्लांट्स होते हैं, ग्राफ्टेड नहीं है ये। अगर ग्राफ्टेड होता है तो उसको आप थोड़ा चेक करके लें, ग्राफ्टेड एरिया को, प्लांट को हेल्थ वाइज चेक करें उसको। और ये जो है एयर लेयरिंग से तैयार जो कलम जो बनती है उसको से तैयार है, और इसमें काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, और फ्रूट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए छोटे छोटे फ्रूट्स भी इसके अंदर बन गए हैं, ये देखिए। ये देखिए फलों का राजा आम, और सभी चाहते हैं कि उसके टेरेस पर आम जरूर लगे हों, और मुझे तो आम बहुत पसंद है, और उसके प्लांट्स मैंने ग्रो किए हुए हैं। तो ये देखिए आम में इस समय बोर आई हुई है, इस तरीके से आप चेक करके लगे। तो इस बार आप इसको फर्स्ट टाइम ग्रो करेंगे तो मे भी ये बोर थोड़ी बहुत गिर जाएगी, क्योंकि सेट होता है दूसरी जगह। और ये देखिए चेक करके ले मैंगो प्लांट को कि ये ग्राफ्टेड है, ये देखिए इस जगह से, आप ऐसे ही ना लेके जाएं, ये ग्राफ्टेड प्लांट है और आसानी से गमले में जो है ग्रो हो जाता है। और ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छे से जो है बोर आई हुई है इस समय, तो आप यहाँ पे जितने भी ये जो आम के प्लांट है, काफ़ी अच्छी हाइट वगैरह है इनकी, और सभी में देखिए बोर आ रही है, तो आपको ये कंफर्म है कि ये यहाँ आपके यहाँ जाकर नेक्स्ट सीजन फ्रूटिंग ज़रूर करेंगे। और ग्राफ्टिंग एरिया चेक करके लें, और थोड़ा हेल्थ चेक करके लें प्लांट की, तो आपके टेरेस पर भी आम बहुत आसानी से लग जाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ 4 साल से जो है मैंगो ग्रो हो रहे हैं, तो आप बस यही चेक करें कि ग्राफ्टेड एरिया को चेक करें, और इस समय देखिए सब में फ्लावरिंग हो रही थी। ये बेस्ट टाइम है फ्रूट प्लांट का पता करने का कि ये फ्रूटिंग करेगा या नहीं करेगा। और मैंगो का प्लांट काफ़ी चीप रेट में भी है, 150 का है, 150 रुपये का है। और देखिए मैं और फ्रूट प्लांट आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप गमले में अगर अनार ग्रो करना चाहते हैं तो ये आपको 80 रुपीज़ का मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए काफ़ी सारे हैं। और मैं आपको देखिए बादाम का पेड़ और दिखाती हूँ, हालांकि अभी इस समय थोड़ी सी इसकी लीव्स वो कह रहे हैं कि झड़ी हुई है, ये देखिए
बादाम है। ये बादाम का जो प्लांट है वो आपको 150 का मिलेगा। और देखिए इसकी थोड़ी सी लीव्स वो हैं गिर गई हैं, और बादाम का प्लांट मैंने जनरली मुझे नर्सरी में कम ही मिलता है, तो आप बादाम का प्लांट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं यहाँ से। ये देखिए चीकू का प्लांट है, गमले में बहुत आसानी के साथ ग्रो होता है, और ये अभी पॉली बैग में लगा हुआ है और 200 रुपए का है। यानी कि आप इस तरीके के बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स हैं वो लेकर जा सकते हैं, और काफ़ी सारे फ्रूट प्लांट हैं अगर आपका आप अपने टेरेस पर इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ये सारे जितने भी मैंने फ्रूट प्लांट आपको दिखाए हैं ये सारे के सारे जो हैं आप पॉट में ग्रो कर सकते हैं। और ये जो यहाँ के ऑनर हैं, और भाई साहब कोई भी आएगा आप डील करेंगे, ये यहाँ पर पूरी डीलिंग करते हैं और आप इनसे यहाँ पर आकर बात कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने आपको काफ़ी सारे फ्रूट प्लांट्स दिखाए हैं, तो इस बार आप भी अपने टेरेस पर बहुत सारे फ्रूट प्लांट्स को जो है ग्रो कीजिए और ऑर्गेनिक फ्रूट्स का थोड़ा मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।